चुनरी गुलाबी इशारा आ रहा। अच्छा जोड़ हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जैसे कृष्णा, मैं अंजु रावत अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आई होप कि आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जो इससे पहले का व्लॉग मैंने आपको शेयर किया था वो इसी बहराज का था। और तो फ्रेंड्स, जब भी छुट्टियां पड़ती हैं गर्मियों की तो बच्चे लोग यहां ज़रूर आते हैं और जो भी टूरिस्ट वगैरह हैं वो घूमने के लिए आ सकते हैं इधर, क्योंकि डैम है ना, डैम की वजह से तो बहुत ही अच्छा एरिया है इधर का और बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ही हम जैसे लोग बहुत हैं जिन्होंने अपने उत्तराखंड में इतनी अच्छी अच्छी जगह होने के बावजूद भी हम पूरा उत्तराखंड नहीं घूम पाते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों की तरह बहुत लोग हैं, तो उन तक ये मेरी वीडियो पहुंच जाए और वो भी वीडियो के माध्यम से जैसे हम लोग देखते हैं तो उनको भी पता चले कि हमारे उत्तराखंड में ऐसी भी जगह है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है और देखिए यहाँ का व्यू और लेते रहेंगे यहाँ के नज़ारों का आनंद। तो फ्रेंड्स, बने रहेंगे कंटिन्यू और मैं आपको ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगी लेकिन जितना हो सकेगा पूरी कोशिश करूँगी, थोड़ा थोड़े व्यू मैं आपको शेयर करूँगी। तो चलिए बने रहेंगे कंटिन्यू ब्लॉग में, तो चलिए चलते हैं। आ गए हैं, ये हमारा है हमारा कालागढ़ डैम। वो देखिए वहाँ पे बीच में मछलियाँ हैं। रुक जाइए, फोकस करते हैं हम थोड़ा सा। मछली वगैरह खाने लाए हम। काका ई बोटर में क्या बनो, बोटर में भेज दो बल खाना। कहाँ घूमने नानी के साथ? मसूरी, टिहरी, कहाँ घूमे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लो जी, लो 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 लो, कैमरा मैन की फीस बहुत भारी है, देखने घंटों के हिसाब से आता हूँ मैं। चलो चलो चलो, नदी छुट्टी पड़ गया, तुम तीनों बहन घूम दे यार। हाँ, नदी छुट्टी पड़ गया यार। नदी का किनारा हवा
फ्रेंड्स ये एरिया है ना जो ये पानी के बीच में है, और इसी में आने के लिए बहुत सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि यहाँ से जो व्यू आता है ना वो तो देखने लायक है। और जो वो बना हुआ है ना उसके ऊपर चढ़ के देखते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। ये पानी के बीच में है ये वाला एरिया, और फिर उसके बाद जब यहाँ से नीचे उतरेंगे तो एक सीढ़ियाँ हैं बहुत सारी जो कि बरसात में पूरा कवर हो जाता है, वो दिखता है दिखाई भी नहीं देता पानी में। बहुत बढ़िया आ रही है भैया। अब लाल कर कंगन आ तुम चमक नहीं चमा पायल बाजी दे खटुमा तेरा कंगन हरा लाल तेरा कंगन आ जाओ मॉम एक बार आ जाओ यार चुनरी तेरी हाय हाय चुनरी गुलाबी शरारा तो फ्रेंड्स ये जो एरिया बना हुआ है ये पानी के बीच में है, इतना सा टापू टाइप में है जो बीच में है, और देखिए ये इस तरह का है कुछ। और यहाँ से जो नज़ारे दिखाई देते हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं, और देखिए इतना ऊंचा है उधर को, और जब बरसात का पानी बढ़ता है तो ये सीढ़ियाँ बिल्कुल ढक जाती हैं, तो ये सीढ़ियाँ इधर आने के लिए हैं, और बिल्कुल टापू ही टापू नज़र आता है पानी में, तब तो बहुत ही देखने लायक व्यू होता है। और यहाँ के लिए थोड़ा पास बनाना पड़ता है तो ही यहाँ आ पाते हैं, हर कोई यहाँ नहीं आता क्योंकि यहाँ आने के लिए ना पास बनाना पड़ता है पहले कॉलोनी में, और फिर जाके यहाँ आप यहाँ का आनंद ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए इतना ऊंचा है ऊपर जाने के लिए, तो ऊपर जाके रोड है, और रोड के उस तरफ भी व्यू हैं बहुत सारे जो हम ले नहीं पाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और ब्लॉग को करते हैं अब एंड। अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिए, दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।